Recording in A progress. very good मॉर्निंग टू ऑल. वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन. कोई ऐसा बच्चा जो आज क्लास तो लगा रहा है बट उन्होंने कल की क्लास का बैकअप नहीं देखा हुआ? एनी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो, बता दीजिए. एनी वन, एनी वन, मतलब जो बच्चे कल ऑफलाइन मोड में प्रेजेंट नहीं थे, या तो उन्होंने क्लास ऑनलाइन लगाई है या बैकअप से लगाई है. सो वी ऑल आर ऑन सेम पेज, कैन आई से, इंक्लूडिंग यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स. आप में से कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी हुई है, बता सकते हो यार? क्या बात, व्हाट इज दिस लेवल? बैच का होमवर्क डन है, बैकअप को लेकर कुछ पेंडेंसी नहीं है. कैन आई एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू? नो नो पेंडेंसीज एवर. देखते हैं बेटा, ऐसे समझ लो जब तक आपकी पेंडेंसीज कंप्लीट है, बैकलॉग्स कंप्लीट है, बारिशें आती रहेंगी. क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जिस दिन सभी बच्चों ने होमवर्क करा हुआ उस दिन बारिश आती है. ठीक है, आ जाएगी, आ जाएगी. ठीक है जी, चलो चलो जी, चलो. हाँ जी, हमारा होमवर्क क्या था? सॉल्विंग दोस थ्री एग्जामिनेशन क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर, जिसके रिलेटेड सजेस्टेड आंसर जो आपके साथ शेयर किए गए थे वो मेरे बनाए हुए सॉल्यूशन नहीं है, वो आईसीए के सॉल्यूशन है. सो डाउट्स मे क्रॉप अप. अब डाउट इस चीज को लेकर भी आ सकता है कि प्रोबेबली इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट में, मैंने आपको कल सिखाया था डेज बेस्ड काम करना चाहिए. आईसीआई अपनी मर्जी का मालिक है, वो उनका अपना गुंडा राज है. वो कहेंगे जो हमारा इस अटेम्प्ट में मन कर गया क्वार्टरली करने का या मंथली करने का, हमारी मर्जी. अगले अटेम्प्ट में हम डेज बेस्ड पे आ जाएंगे, फिर उसके अगले अटेम्प्ट में हम क्वार्टरली आ जाएंगे. उनकी अपनी मर्जियां चल रही हैं. यू ऑल हैव टू बी ऑन अ वेरी वेरी सेफ साइड. अगर आप डेज बेस्ड वाला काम करोगे, आपका कोई काटा नहीं बजा सकता आंसर पे. बट अगर आप ऐसे बोल रहे हो दैट अ स्पेसिफिक पीरियड इज मेंशन टू यू, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर टू था बेटा जी, क्वेश्चन नंबर टू, इसमें स्पेसिफिक पीरियड क्या मेंशन था? दिसंबर. तो हमको अपने इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट के लिए डिवाइडेड बाय 31, दिसंबर हैज 31 डेज, इंटू 365 करना था. क्वेश्चन जब बोल भी रहा है इंटू 365, आई डोंट नो इन्होंने सोल्यूशन में क्या किया, मुझे नहीं मालूम है इसका सोल्यूशन में क्या है. यही है, परफेक्ट. उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन था? एट्थ. एट्थ में भी देखिएगा जरा केयरफुली, नंबर ऑफ डेज को लेना है. ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप ऑन 31 जनवरी और हमको काम करना था. रिपोर्टिंग डेट क्या थी? 31 मार्च. ये 31 जनवरी जो एक दिन है ना, जनवरी का वो एक दिन भी काउंट करोगे? फेब्रुअरी नॉन लीप ईयर का है तो 28 डेज, मार्च के 31 डेज. हाउ मेनी डेज? 60 डेज एग्जैक्ट बन रहा है. तो डिवाइड बाय 60 इंटू 365 होना था. ठीक है. और 10th क्वेश्चन में बेटा जी, 10th क्वेश्चन में क्वार्टर एंडेड 31 मार्च है, तो जनवरी के 31, फेब्रुअरी के 28 और मार्च के 31, अगेन 90 डेज. इन्होंने अगर इंटू फोर कर दिया है, अगर कर दिया है, तो प्लीज इनकी भावनाओं में आप मत बहे, आप अपना काम ही करें. ठीक है. दे विल नॉट स्टिक टू वन प्रेजेंटेशन एवर इन एनी सब्जेक्ट, इन एनी टॉपिक. उनका खुद का कुछ फिक्स्ड नहीं रहता है. बट आप अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं लाएंगे, इनके सजेस्टेड आंसर देखिए. ठीक हो गया जी? एनी डाउट सो फार? कुछ नहीं है. चलो, सो वी आर कॉन्टिन्यूइंग आर टॉपिक ऑफ लेबर टर्न ओवर. कमिंग बैक टू द मेन कॉन्टेंट, पेज नंबर मेन कॉन्टेंट का आपको मिलेगा 3.12 पे. अभी 14th नहीं करना, 13th डन है, 10th डन है, 11th डन है. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 12 बेटा जी. क्वेश्चन नंबर 12, कोर्स कंसल्टेंसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बीपीओ इंडस्ट्री एंड वन ऑफ इट्स ट्रेनी एग्जेक्टिव्स इन दी पर्सोनल डिपार्टमेंट हैज कैलकुलेटेड लेबर टर्नओवर रेट 24.92% फॉर दी लास्ट ईयर यूजिंग फ्लक्स मेथड. कह रहे हैं एक ट्रेनी एग्जेक्टिव ने पहले से ही फ्लक्स मेथड के हिसाब से रेट निकाला हुआ है 24.92%. फॉलोइंग इज दी सम डेटा प्रोवाइडेड बाय पर्सोनल डिपार्टमेंट फॉर दी लास्ट ईयर. अब आपके पास एम्प्लॉयज की 8 अलग अलग डेजिग्नेशन है. इन डेजिग्नेशन के लिए क्या डेटा अवेलेबल है? एट दी बिगिनिंग क्या नंबर था?
फिर ज्वाइन कितना किए, ज्वाइन हमारी भाषा में वर्ड होता है एक्सेशन, इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट, इट इंक्लूड्स न्यू रिक्रूटमेंट ऑल्सो, लेफ्ट मतलब सेपरेशन, और एट द एंड आप देख पाएंगे कुछ कुछ फिगर्स अवेलेबल हैं, कुछ कुछ मिसिंग है, जहां जहां पे भी क्वेश्चन मांगते हैं वहां पर मिसिंग फिगर है। एम्प्लॉयज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, देखो दो डेजिग्नेशन जिनके ऊपर भी नाम है उनमें से दो डेजिग्नेशन में से ये एम्प्लॉयज, इतने एम्प्लॉयज हमको ज्वाइन किए कहां से चलकर आए, सब्सिडरी से। ऐसे ही हमने अपने सब्सिडरी को ट्रांसफर किए, दो डेजिग्नेशन जिनके नाम ऊपर भी हैं और उनको हमने अपनी तरफ से लेफ्ट करवा दिया और कहां भेज दिया, सब्सिडरी में। व्हाट इज अ सब्सिडरी, जिस हाँ अगर हम होल्डिंग कंपनी है, हम उसकी पेरेंट कंपनी है, तो उसपे हमारे मोर देन 50% ऑफ द स्टेक है, या अदर डिसीजन मेकिंग हमारी कंट्रोल में है। सब्सिडरी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है हमेशा और हमेशा एक शेयर खरीदने पर होती है, देर आर अदर वेज ऑल्सो जो कि आप लॉ में पढ़ते होंगे, ठीक है जी। बट देन अगेन हम बोल रहे हैं वी आर अ पार्ट ऑफ अ सेम ग्रुप, अस एंड आर सब्सिडरी वी आर अ पार्ट ऑफ अ सेम ग्रुप, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देर वर टोटल 772 एम्प्लॉइज ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी एंड द ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सुपरवाइजर वॉइस एजेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर वर इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। एक तो सभी का बिगिनिंग का टोटल दे दिया 772, और ये तीन डेजिग्नेशन है कौन कौन, सुपरवाइजर वॉइस एजेंट असिस्टेंट मैनेजर, ऊपर कहाँ मिल रहे हैं ये रहे, सुपरवाइजर वॉइस एजेंट असिस्टेंट मैनेजर, तीनों की ओपनिंग स्ट्रेंथ गायब है, बट कह रहे हैं जो है आपस में 3:3:2 रिलेशनशिप में है, ठीक है जी, ओके रेशो में है। कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबैंडन द पोस्ट ऑफ टीम लीडर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑल ऑफ द टीम लीडर्स वर ट्रांसफर टू सब्सिडरी कंपनी। हमने अपने पास टीम लीडर की पोस्ट, उसकी डेजिग्नेशन ही खत्म कर दी, और जितने टीम लीडर चल रहे थे सारे उठाकर सब्सिडी को भेज दिए। हमें दिखाई भी दे रहा है हमने कितने टीम लीडर सब्सिडरी को भेजे हैं, 60, ठीक है। कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सेपरेट पर्सोनल डिपार्टमेंट, ये लाइन ये सिग्निफाई करती है कि भले ही वी आर अ पार्ट ऑफ सेम ग्रुप, स्टिल हमारे अपने अलग रिकॉर्ड्स हैं, अलग एचआर डिपार्टमेंट है, सब्सिडरी का अपना अलग हिसाब किताब है, इसलिए जो हमने सब्सिडरी को भेजा हमारे लिए तो सेपरेशन ही है भाई, ठीक है जी। हम ये नहीं बोलेंगे हमारे ही ग्रुप में गई है, हमारे लिए वो अलग एंटिटी है। ऐसे ही सब्सिडरी से चल के जो हमारे पास आ रहे हैं हमारे लिए एक तरीके से ज्वाइनिंग है, एक्सेशन, ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड एंड वेरीफाई द लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड अंडर फ्लक्स मेथड बाय ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ऑफ कोर्स कंसल्टेंसी लिमिटेड। आपको पहली लाइन में बताया था फ्लक्स मेथड से ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने कितना कैलकुलेट किया हुआ है, 24.92। आपको वेरीफाई करना है कि वो सही है कि नहीं, ठीक है जी। चलो अब काम हमें कैसे स्टार्ट करना है, चाहे हमको कैलकुलेट करना है सेपरेशन फ्लक्स या रिप्लेसमेंट, मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे आता है, बिगनिंग और एंड का एवरेज लेकर। तो आई नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द बिगनिंग स्ट्रेंथ एंड एंड की स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा सेपरेशन के लिए न्यूमरेटर में क्या चाहिए, नंबर ऑफ सेपरेशन, रिप्लेसमेंट के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, और फ्लक्स के लिए सेपरेशन एज वेल एज एक्सेस, ठीक है जी। वर्किंग नोट्स में हमारा काम चलेगा, इवन दो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर यू इन दी बुक इटसेल्फ, आपने इसको अपनी कॉपीज में भी सॉल्व करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1, आपने यहां पर डेजिग्नेशन के नाम लिखने हैं और फिर इनका नंबर ऑफ वर्कर्स एट बिगिनिंग और एट एंड, एट बिगिनिंग और एट एंड, एक सेकेंड, हाँ जी, और एट एंड, हाँ जी, डेजिग्नेशन के नाम एक एक करके लिखेंगे और एक एक लाइन भी छोड़ते जाइएगा। डेटा प्रोसेसर, फिर ज्यादा टाइट टाइट आप काम नहीं करना, जगह छोड़िए एक लाइन की। नेक्स्ट है पेरोल प्रोसेसर, फिर नेक्स्ट है आपके पास सुपरवाइजर, और फिर नेक्स्ट है आपके पास वॉइस एजेंट, नेक्स्ट है आपके पास असिस्टेंट मैनेजर,
फिर नेक्स्ट, सीनियर वॉइस एजेंट, फिर नेक्स्ट सीनियर डेटा प्रोसेसर, फिर नेक्स्ट टीम लीडर्स, टीम लीडर्स, ठीक है जी, ओके। एक बारी ना अपनी बुक्स में मार्क भी कर लीजिए कि सब्सिडरी से आना जाना किन डेजिग्नेशंस का हुआ था, हल्की सी छोटी सी मार्किंग रहेगी कि सीनियर वॉइस एजेंट जी छोटी सी मार्किंग कर ली, सीनियर डेटा प्रोसेसर छोटी सी मार्किंग कर ली, टीम लीडर एज वेल एज असिस्टेंट मैनेजर ही ऊपर थे, ठीक है। चलो अब देखना, स्टार्टिंग से बिगिनिंग में डेटा प्रोसेसर वी हैव दी नंबर अवेलेबल जी कितना 540, एट एंड नंबर अवेलेबल है कितना 1560। पेरोल प्रोसेसर में बिगिनिंग नहीं है, एंड अवेलेबल है 40। हम पर बिगिनिंग पता कर सकते हैं कैसे, रिवर्स में जाकर, वी नो वर्कर्स इन बिगिनिंग में एड करो एक्सेशन माइनस करो सेपरेशन आता है वर्कर्स एट एंड, तो रिवर्स वर्किंग क्या होगी, वर्कर एट एंड में एड बैक कर दो सेपरेशन, सेपरेशन कितना है 60, माइनस कर दो ज्वाइनिंग कितनी 20, हमारे पास वर्कर्स एट बिगनिंग आ जाएगा कितना 80, ठीक है जी 80, ठीक हो गया सभी को। अच्छा नेक्स्ट सुपरवाइजर, ना मेरे पास बिगनिंग ना एंड, अभी के लिए इसको होल्ड पे रखेंगे, वॉइस एजेंट भी होल्ड पर रखेंगे, असिस्टेंट मैनेजर पर आते हैं, एंड का नंबर अवेलेबल है असिस्टेंट मैनेजर का 30। अब असिस्टेंट मैनेजर में सब्सिडरी वाली ट्रांजैक्शन भी थी, क्या थी वो सब्सिडरी वाली ट्रांजैक्शन, असिस्टेंट मैनेजर हमने अपनी तरफ से भेज दिए थे 10, हमारी तरफ से वो सेपरेशन हो गई। कैन आई कैलकुलेट असिस्टेंट मैनेजर का नंबर इन बिगिनिंग, वही रिवर्स वर्किंग करो, 30 क्लोजिंग है, एड बैक कर दो सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है बेटा जी 10, माइनस करो असिस्टेंट मैनेजर की ज्वाइनिंग विच इज 20, तो मेरा स्टार्टिंग नंबर कितना आ गया 20। इफ एनीवन नीड्स मी टू रिपीट दिस बता दीजिए। हाँ जी रिपीट करें, यस कर देते हैं, देखिएगा, वी ऑल नो दैट बिगनिंग में सेपरेशन माइनस करो और एक्सेशन जोड़ दो, हमारे पास क्या नंबर आ जाता है एंड। मैं असिस्टेंट मैनेजर की बात करती हूँ, आपके पास असिस्टेंट मैनेजर का नंबर एंड का अवेलेबल है कितना 30, मेन टेबल कंटेंट जॉइनिंग बता रहा था यानी कि एक्सेशन बता रहा था 20, और सब्सिडरी को हमने अपनी तरफ से भेज दिए थे 10, जो कि हमारे लिए सेपरेशन ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए बिगिनिंग का नंबर क्या हो गया, 30 प्लस 10 माइनस 20, रिवर्स वर्किंग करके। हाँ जी क्लियर हो गया ये, अब आगे बढ़िए एक बार के लिए, सीनियर वॉइस एजेंट 4 एंड 12, सीनियर डेटा प्रोसेसर 8 एंड 34, टीम लीडर स्टार्टिंग और एंड का अभी नहीं लिखा। चलिए आगे की आपने ट्रांजैक्शन पढ़ी जो टेबल के नीचे इंफॉर्मेशन है, दैट देयर वर टोटल 772 एम्प्लॉइज ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग मतलब यहां पर टोटल 772 है, ठीक है। कह रहे हैं ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट और असिस्टेंट मैनेजर, ये तीन की ओपनिंग स्ट्रेंथ 3:3:2 की रेशो में है, सो कैन आई डिटरमिन सुपरवाइजर की ओपनिंग स्ट्रेंथ, असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर के साथ क्या रेशो थी 2 टू थी ना, तो असिस्टेंट मैनेजर अगर 20 है तो सुपरवाइजर 30 ना हुआ, 45 कहाँ से आ रहा है, एक बार देखो, ये भी 30 ये भी 30 है ना। अच्छा क्या हम अब इनके क्लोजिंग नंबर्स फिगर आउट कर पाएंगे, सुपरवाइजर का क्लोजिंग नंबर, सुपरवाइजर, हाँ जी सुपरवाइजर का क्लोजिंग नंबर ध्यान से देखिए, बिगनिंग में थे 30, ज्वाइनिंग हुई 60 की, देर वॉज नो सेपरेशन, नो सेपरेशन, तो एंड नंबर कितना हो गया 9। वॉइस एजेंट के बारे में बताइए, 30 बिगनिंग में थे 30, ज्वाइन किए 20,
लेफ्ट बी की है 20, तो एंड का नंबर विल बी 30। हाँ जी, सुपरवाइजर सुपरवाइजर का ओपनिंग देखिए, इन्होंने लाइन बोली है कि ये तीनों की ओपनिंग स्ट्रेंथ इज इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। हमें पहले से ही असिस्टेंट मैनेजर की ओपनिंग स्ट्रेंथ 20 पता थी, तो अगर जिसकी रेशियो 2 है उसका नंबर 20 है, तो बाकी के ये दोनों का नंबर क्या हो? ठीक है जी, 30 और 30। हाँ जी, अब एक बार एक टीम लीडर के बारे में बात करते हैं। बेटा जी, टीम लीडर के बारे में ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला था द पोस्ट ऑफ टीम लीडर हैज बीन अबैंडन्ड, और जितने थे सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिए। ऑब्वियस ही बात है, जब पोस्ट हैज बीन अबैंडन्ड कोई नई ज्वाइनिंग तो करेंगे नहीं, और एंड का नंबर क्या हो जाएगा? 0। स्टार्टिंग का नंबर क्या होगा? जितने थे 60, 60 ही ट्रांसफर किए थे सब्सिडरी को। चलो, ये आपकी एंडिंग नंबर भी आ जाएगा। अब बताइए इस टेबल में क्या डाउट चल? वॉइस वॉइस एजेंट का एंडिंग नंबर पूछ रहे हैं। देखिए, बिगिनिंग में ऐड किया एक्सेशन, माइनस किया सेपरेशन, एंड का नंबर आ गया। एनी अदर डाउट? मुझे टोटल बताइए। लास्ट वाला टीम लीडर बताना है जी। हाँ जी, बैलेंस है जो रिटर्न डिफरेंस कौन सा बैलेंस? में समझी नहीं, किसका? टीम लीडर की बात कर रहे हो? सॉरी हाँ, समझ वैसे भी कह सकते हो कि अगर हम टीम लीडर्स का खुद से 60 ना लिखते तो इट वुड हैव बीन अ बैलेंसिंग फिगर आल्सो। अदरवाइज वैसे हमें पता था हाउ मेनी टीम लीडर्स हैव बीन ट्रांसफर टू सब्सिडरी। टेबल चेक कीजिए, 60। तो क्योंकि दिस पोस्ट इज अबैंडन्ड, हमने बोला था जितने थे जितना ओपनिंग नंबर था वही उठा के भेज दिया, कोई ज्वाइनिंग भी नहीं करवाएंगे, बिकॉज ये पोस्ट तो हमने अपनी तरफ से फिनिश कर दी थी। सो 60 पीपल वर ट्रांसफर टू दी सब्सिडरी। वी आर गोइंग टू अज्यूम कि 60 पीपल ही थे हमारे पास स्टार्टिंग में। अदरवाइज आप इसे एज बैलेंसिंग फिगर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट डेफिनेटली एंडिंग नंबर इज गोइंग टू बी 0। हाँ जी, ये टोटल कितना रहा? 1796। 1796 यहां से आप बताएंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सेवन सेवेंटी टू प्लस 1796 डिवाइडेड बाय 2 करके आ रहा है 1284। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, 1284। चलो, अब बच्चे ऐसा है, शायद लेफ्ट को देखकर हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर के लिए नंबर ऑफ सेपरेशन तैयार है, ज्वाइन को देखकर बोल सकते हैं न्यूमरेटर के लिए एक्सेशन तैयार है, बट मुझे एक रिप्लेसमेंट भी चाहिए, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, राइट? तो उसके लिए मुझे वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना ही होगा। वर्किंग नोट नंबर 2, आप सभी डेजिग्नेशंस के लिए आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर्स। आप बेशक पहले लेफ्ट लिख दो, पहले लेफ्ट लिख दो, आई डोंट हैव एनी इशू विद इट। पहले लेफ्ट लिख दो सेपरेशन, जिसको हम बोलते हैं। फिर आप जॉइंड लिख दो, जॉइंड लिख दो, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेशन। देन हमें पता है एक्सेशन में ही एक सब पार्ट होता है रिप्लेसमेंट का, वो खुद आइडेंटिफाई करेंगे, और जो बच गया वो क्या होता है? न्यू रिक्रूटमेंट का। इनफैक्ट आप न्यू रिक्रूटमेंट के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इट इज एक्सेशन माइनस रिप्लेसमेंट। चलिए, वन बाय वन डेजिग्नेशन के लिए आइडेंटिफाई कीजिएगा डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर ध्यान से देखिए, लेफ्ट है 60 और जॉइंड है 1080। ओके, अब वी आर गोइंग टू अज्यूम कि जितने लेफ्ट हैं उनकी रिप्लेसमेंट तो हम लाए ही लाए होंगे, और इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही ज्वाइनिंग करवा ली है, तो वो एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग किसकी है? न्यू रिक्रूटमेंट की है। तो 60 सेपरेशन थी अगर, तो 60 ही हमने रिप्लेसमेंट करवा ली, और जो 1020 बच गया वो न्यू रिक्रूटमेंट का था। ये तो कहना गलत हो जाएगा ना कि हमारी जो पोस्ट वेकेंट पड़ी है
उसके लिए रिप्लेसमेंट नहीं हम लाए, प्रायोरिटी हमने न्यू रिक्रूटमेंट को दे दी, ऐसा तो नहीं होगा। प्रायोरिटी विल बी टू फिल इन एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, बाद में न्यू न्यू रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट सोच के बताओ। पेरोल प्रोसेसर, पेरोल प्रोसेसर, हाँ जी, 20 ज्वाइनिंग्स हैं और 60 लेफ्ट हैं, तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो ज्वाइनिंग है वो रिप्लेसमेंट के लिए हुई है, इनफैक्ट इसके बावजूद स्टिल वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड जी, बट इतना क्लियर होता है देयर विल नॉट बी एनी न्यू रिक्रूटमेंट। बात समझ में आ रही है जी? यस मैम। अब आप नेक्स्ट ट्राई कीजिए। सुपरवाइजर, हाँ जी, सुपरवाइजर में कोई लेफ्ट ही नहीं हुआ, है ना, ज्वाइनिंग हुई है 60। अब क्या कहना है आपका? न्यू यस, जब कोई लेफ्ट ही नहीं हुआ तो कोई वैकेंसी क्रिएट हुई नहीं, काहे के रिप्लेसमेंट, यानी कि जो ज्वाइनिंग हुई है पूरी की पूरी न्यू रिक्रूटमेंट हो। हाँ जी, नेक्स्ट, वॉइस एजेंट, वॉइस एजेंट, 20 लेफ्ट 20 ज्वाइन, सो ऑल 20 विल बी रिप्लेसमेंट, देर विल नॉट बी एनी न्यू रिक्रूटमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर में ना सब्सिडरी वाली एडजस्टमेंट भी है, थोड़ा केयरफुल रहना। 20 ज्वाइनिंग्स हुई हैं और सेपरेशन कितनी है असिस्टेंट मैनेजर की? 10। राइट, क्या कहना है? 10 तो रिप्लेसमेंट है और 10 न्यू रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट, सीनियर वॉइस एजेंट, हाँ जी, सीनियर वॉइस एजेंट में 8 ज्वाइनिंग्स हैं, नो सेपरेशन, क्या कहना है? हाँ 8 न्यू रिक्रूटमेंट, जब सेपरेशन ही नहीं हुई, वैकेंसी हुई नहीं, पोस्ट ही नहीं खाली हुई, रिप्लेसमेंट क्या होगी फिर? नेक्स्ट, सीनियर डेटा प्रोसेसर, सीनियर डेटा प्रोसेसर, 26 ज्वाइनिंग्स हैं, नो सेपरेशन, सारी के सारी न्यू रिक्रूटमेंट। और लास्ट में है बेटा जी टीम लीडर, जिसमें सेपरेशन है 60 बट नो न्यू ज्वाइनिंग, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है, पोस्ट ही अबैंडन हो गई थी। आप लगाएंगे इनके टोटल्स और जिनको डाउट है किसी भी एक पोस्ट में बताइए। कहीं पर कोई भी डाउट है बताइए प्लीज। मान्यता, रियली सॉरी बेटा, मैंने आपका मैसेज अभी देखा है, सीनियर वॉइस एजेंट आपने लिखा है, क्या डाउट है उसमें बताइए। अच्छा, अभी आपने अभी अभी लिखा है सीनियर वॉइस एजेंट में, ठीक है, देखना बेटा, सीनियर वॉइस एजेंट में देर वॉज नॉट एनी सेपरेशन, सब्सिडरी से चलकर आया था 8 बस, वैसे हमने अपनी तरफ से कुछ भी लेफ्ट नहीं करवाया है, तो जब कोई सेपरेशन ही नहीं हुई तो कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होगी क्योंकि पोस्ट ही खाली नहीं हुई, तो हेंस जो ज्वाइनिंग हुई है दैट इज फॉर न्यू रिक्रूटमेंट ओनली, कोई वैकेंसी क्रिएटेड ही नहीं थी, पुरानी पोस्ट कोई थी नहीं, तो जो ज्वाइनिंग हुई है वो न्यू पोस्ट के लिए ही हुई है। क्लियर हो गया बेटा ये? ओके ठीक है जी, ठीक है, डन डन जी। सेपरेशंस आर 210, हाँ जी, टोटल टोटल एक्सेशन, रिप्लेसमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट 1124। एक नोट लिखेंगे एट द एंड ऑफ द वर्किंग नोट, इसमें लिखें, सिंस कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी, सिंस कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर मेंटेनिंग, सिंस कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कुछ ऐसी लैंग्वेज है ना,
आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सेपरेट पर्सोनल डिपार्टमेंट. रिक्वायरमेंट से पहली वाली लाइन है ये. सिंस कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सेपरेट पर्सोनल डिपार्टमेंट कॉमा कॉमा ट्रांसफर इन एंड ट्रांसफर आउट, ट्रांसफर इन एंड ट्रांसफर आउट टू सब्सिडरी, ट्रांसफर इन एंड ट्रांसफर आउट टू सब्सिडरी आर ट्रीटेड एज एक्सेशंस, आर ट्रीटेड एज एक्सेशंस एंड सेपरेशंस रिस्पेक्टिवली आर ट्रीटेड एज एक्सेशंस एंड सेपरेशंस रिस्पेक्टिवली. ठीक है जी. ट्रांसफर इन मतलब हमारे पास एक्सेशन हो गया, ट्रांसफर आउट मतलब हमारी तरफ से सेपरेशन हो. ठीक है जी. नाउ स्टार्टिंग विथ द मेन सोल्यूशन. फर्स्ट रिक्वायरमेंट में प्लीज कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एज पर सेपरेशन मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड. हाँ जी. लेबर टर्नओवर रेट एज पर सेपरेशन मेथड 16.36% सेपरेशन मेथड. बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग. नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन एवरेज वर्कर्स रिप्लेसमेंट में 8.57%. ठीक है जी, सभी के पास आंसर आ गए. सेकेंड रिक्वायरमेंट में प्लीज वेरीफाई कि जो ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने कैलकुलेट किया फ्लक्स का 24.92 है वाकई 24.92. नो, कितना आ रहा है फ्लक्स का आंसर? 116 तो नहीं है, 12. हाँ जी, एक बार ही देखना. न्यूमरेटर में आता है सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है बेटा जी? 210. और एक्सेशन आते हैं, एक्सेशन कितनी है? 1, 2, 3, 4. एवरेज मेरे पास था 1, 2, 8, 4. ये फ्लक्स का आंसर है. 112.46%. हाँ जी, दैट मीन्स ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने जो कैलकुलेट किया वो गलत है. कोई बात नहीं, गलती कर सकता है, ट्रेनी है ना, बच्चा है. बट बच्चे को ये सिर्फ कह देना तू गलत, फुल स्टॉप, रॉन्ग है, बताना होता है क्या गलती हुई है बेटा, क्या गलती हुई है. अब एक बार ही हम सोचते हैं उससे गलती क्या हुई है जी. हमारी जो बीकॉम की किताबें हैं या इस टॉपिक में जो पुराने जमाने की किताबें हैं, वो पता है आपको ये मेथड्स कैसे एक्सप्लेन करती है, स्पेशली फ्लक्स मेथड की मैं बात करूं. पता है क्या बोलते हैं? इफ देयर इज, लिखना नहीं है किसी ने कुछ भी, नो न्यू रिक्रूटमेंट, फ्लक्स के न्यूमरेटर में आएगा सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट. इफ हाउएवर, हाउएवर इफ देयर इज न्यू रिक्रूटमेंट ऑल्सो, देन सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट न्यूमरेटर में आ जाए. ये पुराने जमाने की या कई बार बीकॉम की किताबें ऐसे बोल देती. अब सोचो हमने कौन सा हाथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते थे. हम तो बीकॉम में बस फॉर्मूला रट के जाते हैं, और फॉर्मूला कौन सा? जो पहले दिख गया वो दिमाग में बस गया. अब फॉर्मूला पहले क्या है, न्यूमरेटर में क्या है? सेपरेशन और रिप्लेसमेंट.
उसके ऊपर, क्योंकि हमको देखना है फॉर्मूला जो डब्बे में है, डब्बे में है, डब्बे के ऊपर क्या लिखा है छोड़ दो बेकार, एवी इंग्लिश होगी नॉर्मल, ठीक है। अच्छा डब्बे हमें फ्लक्स मेथड आ गया, न्यूमरेटर में रखना है सेपरेशन और रिप्लेसमेंट, रट्टा इस चीज का बच गया, जबकि ये तो देखा नहीं कि व्हेन देयर इज सम न्यू रिक्रूटमेंट आल्सो, न्यू रिक्रूटमेंट भी न्यूमरेटर में आती है। यही उस बच्चे से गलती हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में सेपरेशन और रिप्लेसमेंट लेके आ, चेक करो अगर सिर्फ सेपरेशन और रिप्लेसमेंट न्यूमरेटर में रखते हो, क्या फ्लक्स मेथड का आंसर वही आ रहा है 24.92, वही आ रहा है। तो ये उस बच्चे से गलती हुई है, या पुराने जमाने में एज शॉर्टकट कभी कभी सिखा देते थे, कभी कभी, मैंने कभी नहीं इंसिस्ट करना इस चीज पे, कि आप सेपरेशन मेथड का जो रेट आ रहा है और रिप्लेसमेंट मेथड का जो रेट आ रहा है उसको जोड़ दोगे तो फ्लक्स का आ जाएगा। अग्री हम नहीं करेंगे, सेपरेशन के न्यूमरेटर में क्या आता है सेपरेशन, रिप्लेसमेंट के न्यूमरेटर में क्या आता है रिप्लेसमेंट, न्यूमरेटर में एक और चीज आनी चाहिए क्या, न्यू रिक्रूटमेंट। तो अगर मुझे ऊपर वाली इक्वेशन ठीक करनी है, हम ये बोलेंगे काम करो रेट एज पर न्यू रिक्रूटमेंट मेथड भी ऐड कर दो, जी आइडेंटिटी विल स्टिल होल्ड ट्रू दैट लेबर टर्नओवर रेट एज पर सेपरेशन मेथड, एज पर रिप्लेसमेंट मेथड एंड एज पर न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, तीनों का सम करो तो फ्लक्स मेथड आ जाता है। बट क्यों जाना इन सभी चीजों में, क्यों जाए राइट? तो ये पुराने जमाने में रट्टे लगवाने के तरीके थे कि सेपरेशन का रेट प्लस रिप्लेसमेंट का रेट इज इक्वल टू फ्लक्स का रेट, वही गलती हो गई। आप चेक कर लो इनका सम 24.93 अप्रोक्सीमेटली, वही 24.92 ही बनता है राइट। सो बेसिकली गलती क्या हुई है दैट उस ट्रेनी एग्जेक्टिव ने फ्लक्स मेथड के लिए न्यू रिक्रूटमेंट को कंसिडर किया ही नहीं, वेयर एज न्यू रिक्रूटमेंट एज इट कैन बी सीन इट इज अ वेरी वेरी असेंशियल कॉम्पोनेंट। बच्चे लेबर टर्नओवर की जो आपको मीनिंग समझाया था, मेनली लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने का लॉजिक क्या है कि हमारे ट्रेंड लोग चले जाते हैं उनकी जगह अनट्रेंड लोग आते हैं, अगर ये रोटेशन हायर है तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू द ऑर्गेनाइजेशन ना। उस लॉजिक के हिसाब से न्यू रिक्रूटमेंट शुड नॉट बी अ टेक्निकली पार्ट ऑफ द लेबर टर्नओवर कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो तो एक्सपैंड कर रहे हैं इसे लोग हायर करें, अच्छी बात है ना वो तो, बट पॉइंट इज कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि एवरेज हमारे पास एम्प्लॉयज कितने थे, कितने एवरेज एम्प्लॉयज थे 1284, इस 1284 में से 1124 इज दी न्यू हायरिंग अनट्रेन्ड पीपल। तो हमें पता करना है कि जो हमारी एवरेज कॉम्पोजिशन है मेजॉरिटी ऑफ दैट, इनफैक्ट अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ दैट इज अनट्रेन्ड वर्कफोर्स, तो इसलिए न्यू रिक्रूटमेंट मेथड यहाँ पर काउंट करता है। वैसे टेक्निकली इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न टू द ऑर्गेनाइजेशन, बट फिर भी इसका मेथड इसलिए बनाया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये भी तो पता करना है इतनी कितनी ट्रेनिंग्स करवानी है जी, कितना ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ सकता है, इवन इफ इट इज फॉर अ गुड थिंग, हम एक्सपैंड कर रहे हैं, न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है राइट, बट स्टिल पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग कॉस्ट किस एक्सटेंड तक लग सकता है। तो ये ना बात आपके पास प्रिंटेड कंटेंट में कहीं ना कहीं लिखी हुई है, देखना जरा जहां पर भी न्यू रिक्रूटमेंट मेथड था, ये देखना पढ़ना जरा, न्यू रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है, वर्कर्स ज्वाइनिंग ड्यू टू एक्सपेंशन, इट डज नॉट अकाउंट फॉर लेबर टर्नओवर, पुराने लोगों का जाना और उनकी जगह नए लोगों का आना उस चीज में ये बात फिट नहीं बैठती है न्यू रिक्रूटमेंट की, स्टिल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन दी कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स इनके। और हमारी लेबर टर्नओवर की डेफिनेशन क्या थी, पिछले पेज पर जाओ, रेट ऑफ चेंज इन दी कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये लेबर टर्नओवर में एक फॉर्मूला में इसे हम फिट कर देते हैं। चलिए कमिंग बैक, अब हमने क्या एक्सप्लेन करना है, लिखेगा लिखेगा आपने 112.46 निकाल लिया, 112.46 लिखिए, लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड बाय ट्रेनी एग्जीक्यूटिव, लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड बाय ट्रेनी एग्जीक्यूटिव इज इनकरेक्ट, लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड बाय ट्रेनी एग्जीक्यूटिव इज इनकरेक्ट बिकॉज न्यू रिक्रूटमेंट्स हैव बीन इग्नोर्ड, बिकॉज न्यू रिक्रूटमेंट्स हैव बीन इग्नोर्ड इन सच कैलकुलेशन, बिकॉज न्यू रिक्रूटमेंट्स हैव बीन इग्नोर्ड इन सच कैलकुलेशन।
हो जाता है कंप्लीट। क्लियर हो गया सभी को? एनी डाउट? कुछ भी? डन है जी? ओके। बिफोर आई प्रोसीड अहेड बच्चे, एक ना, जब भी आई हैव अ लार्ज ग्रुप इन फ्रंट ऑफ मी, अप्रोक्सीमेटली 25 पीपल होते हैं, मैं तभी से अपना एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती हूँ। आज तो मेरे सामने 50 लोग हैं तकरीबन, इंक्लूडिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी बात सुनेंगे। इट्स कॉल्ड अ बर्थडे पैराडॉक्स। बर्थडे पैराडॉक्स ये कहता है, किया हुआ है मेरे साथ ही, दोबारा कर लेते बर्थडे, क्योंकि जब भी नया ग्रुप आता है ना, मेरे को हमेशा होता है कि देखते हैं, आज तक हमेशा बात ट्रू होल्ड करी है। बर्थडे पैराडॉक्स ये कहता है दैट इन अ ग्रुप ऑफ जस्ट 23 पीपल, जस्ट 23 पीपल, इट इज देयर इज 50% ऑफ चांस कि दो लोगों का बर्थडे मैच करता है। व्हेन द नंबर इज 75, देयर इज 99% चांस दो लोगों का बर्थडे मैच करता है। इस ग्रुप में आपको पता ही होगा, पहले से जानते हो बर्थडे मैच करते हैं। सॉरी सर, लास्ट लड़की एक और एक पेयर है, कितने और भी है? साहिल साहिल सर और साहिल सर एंड साहिल। साहिल कौन है? अच्छा ठीक है, तुम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरे बर्थडे वाला दिन आता है किसी का? 20 मई, 20 मई, ठीक है, ओके, ठीक है, सही है। बट मैं आपको वैसे बताती हूँ, बचपन से ना आई यूज टू बी जेलस ऑफ माई टू सिस्टर्स। मेरी एक सिस्टर का बर्थडे आता है 8 जुलाई को, और उस दिन सौरभ सौरभ गांगुली का बर्थडे होता है। एक सिस्टर का बर्थडे आता है 11 जनवरी को, उस दिन राहुल द्रविड़ का बर्थडे होता है। मैं बड़ा जलती थी दोनों से, मैं बड़ा जलती थी। उस टाइम पर गूगल वूगल कुछ नहीं होता था, अखबारों से ही पता चला था कि इन क्रिकेटर्स के बर्थडे का बात है। दिस बर्थडे, ऐसे ही ये चीज रैंडमली याद आई, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता यार कि किसी कोई तो क्रिकेटर होगा, रैंडम क्रिकेटर भी होगा। देन आई गॉट टू नो दैट डैरिल मिचेल, राहुल तेवतिया एंड ऑल्सो अंजुम चोपड़ा। मैं अंजुम चोपड़ा के नाम से सुनकर बड़ी खुश हो गई कि ये फीमेल क्रिकेटर इन एवरीथिंग, बट ठीक है, मुझे था कि कोई लेजेंडरी क्रिकेटर होना चाहिए। ये तो अभी भी फिर भी नया है, राहुल तेवतिया तो फिर भी अभी नया है, ऐसा था। ठीक है, बट ठीक है। हाँ जी, कुछ कह रहे हो? ठीक है, ठीक है। कौन कौन बर्थडे ट्विंस है यहाँ पे आप दोनों में से? आप कौन? आप और कौन है आपका बर्थडे ट्विन? अच्छा, दोनों साथ ही बैठे हो। नाम क्या आपके? शिवांश शिवांश और केशव, ठीक है। और आपका नाम है तनवीर, ठीक है। आपका नाम तो चलो याद रहेगा। केशव तो 1 सितंबर को सेलिब्रेशन है फिर, है ना? डन है। अच्छा, धीरज सर के सेलिब्रेशन के टाइम पर किसने डेकोरेशन की थी? नहीं, बट एक कोई एक बच्चा था जिनको बोल रहे थे कि आपको तो हम बोलेंगे आगे से हर हर डेकोरेशन के लिए। मे बी आई एम रॉन्ग। चलो ठीक है, सभी ने की थी, वो आइडिया सभी के मिलाकर आइडियाज थे, ठीक सभी के मिलाकर आइडियाज थे वो। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। आज तो किसी का बर्थडे नहीं है ना? नहीं है? मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। लेबर टर्नओवर ही टॉपिक चल रहा है बेटा जी, लेबर टर्नओवर ही टॉपिक चल रहा है। अब सवाल आएगा, लेबर टर्नओवर चलो हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है, मेजर हो जाती है, इसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है। नुकसान होता है क्या? नुकसान ट्रेनिंग ट्रेनिंग कॉस्ट और कुछ वही रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब हायर करना पड़ता है। अब सोचो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, उनके पास एचआर डिपार्टमेंट भी अच्छे खासे हैं। एचआर डिपार्टमेंट में ही स्टाफ होगा 20-30 लोगों का। यही आप छोटी कंपनीज में चले जाओ या गवर्नमेंट जॉब्स में देख देख लो, एचआर होगा बट इतना लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट नहीं होगा, 6-7 लोग होंगे उधर। क्यों? क्योंकि जहां पर आना जाना, हायरिंग फायरिंग चलती रहती है, उधर एचआर भी ज्यादा चाहिए और एचआर को हायर करने की कॉस्ट भी होती है। तो उसको हम बोलते हैं कि चलो सिलेक्शन कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब होता है। लेबर टर्नओवर ना हो तो ये खर्चे भी बच जाएंगे, और क्या नुकसान हो सकता है सोचो। लूजिंग लूजिंग द बेस्ट स्टाफ, उसका इम्पैक्ट क्या है? प्रोडक्शन पर, प्रोडक्टिविटी पर। आउटपुट जो बन सकता था नहीं बन पाएगा, आउटपुट कम बनेगा, मतलब प्रॉफिट भी कम आएगा उसकी वजह से। बिल्कुल ठीक है जी। और एक और चीज भी होती है, नए लोग आकर आउटपुट तो बनाते हैं, चाहे कम बनाएंगे, जो बनाएंगे उसमें भी गलती करेंगे, डिफेक्टिव आउटपुट बनाएंगे। फिर कई बार तो वो डिफेक्टिव आउटपुट बिल्कुल ही स्क्रैप करना पड़ जाता है, रिजेक्ट करना पड़ता है।
कई बार उसको रेक्टिफाई करके वापस से गुड यूनिट बनाना पड़ता है, तो वो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी हो जाती है जी। तो वो वेस्टेजेस वगैरह जो चल रही है, अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो अ लॉस टू द कंपनी। तो सवाल आपके पास आएगा, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। प्रॉफिट लॉस्ट मतलब जो प्रॉफिट कमा सकते थे, अब थोड़ा कम कमाएंगे तो वो कितना कम हो रहा है हमारा प्रॉफिट, दैट विल बी द क्वेश्चन। उसके लिए मुझे आपको एक चीज समझानी है, देखना जरा। मान लीजिए आउटपुट एक यूनिट का जब होता है, उसका सेलिंग प्राइस है लेट अस से 10, और वेरिएबल कॉस्ट उसकी पर यूनिट पड़ती है 6, ठीक है जी। अच्छा, आगे से ना कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ना वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग ही आइडेंटिफाई करते हैं। आप कभी भी कोई अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, वो इनकम स्टेटमेंट बचपन में से तो ऐसे दिखती थी, सेल्स माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट। आगे से हम कॉस्ट में बाइफर्केशन करेंगे, कौन सी वेरिएबल कौन सी फिक्स, रादर हमारी इनकम स्टेटमेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो भी चेंज हो जाती है। अब से सेल्स में से पहले माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट। ये वर्ड आता है, शायद आप ये वर्ड पहली बार आज सुन रहे हैं, शायद नहीं भी सुन रहे हैं। इस वर्ड को हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब इसका नाम कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों पड़ा, रैदर इसका पूरा नाम ही होता है कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए पहले हमारे पास ना 1000 की सेल्स हो रही थी, वेरिएबल कॉस्ट वाज लेट अस से 800, कॉन्ट्रीब्यूशन वाज 200, फिक्स कॉस्ट 50 की थी, मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है 150 का। कह रहे हैं कि अगर हमारा आउटपुट प्रोडक्शन या आउटपुट क्वांटिटी सोल्ड 10% से बढ़ जाती है, मतलब जो यूनिट पहले अब 1000 का बिक रहा था, अब ज्यादा यूनिट बन के कितने की सेल वैल्यू आ जाएगी 1100। क्या यूनिट ज्यादा बन रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा इनकर होगी? यस होगी, 10% से, यानी कि 880। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ गई? 220। 220 की आ गई। फिक्स्ड कॉस्ट बीइंग फिक्स्ड 50 का ही रहेगा, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 170 का। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि अगर आप एक एक यूनिट फालतू बनाकर बेचे जाओगे ना, आपको एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलेगी, एंड वही एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन विल रिजल्ट इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, क्योंकि वंस फिक्स्ड कॉस्ट आर कवर्ड दे आर कवर्ड। तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप एंड तक पहुंचोगे ना, आप कहोगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छोड़कर हमारा टारगेट रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन पर। इफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमाइज, प्रॉफिट इज ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज। बात समझ में आती है? तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलिए मैं वापस से अपने इस एग्जाम्पल पर आती हूँ। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 10, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 6, यानी कि एक यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी लाकर दे सकता फोर है? 4 4। अच्छा, मान लीजिए कि वैसे अगर पुराने लोग, सीखे सिखाए लोग काम कर रहे होते तो वो आउटपुट बना सकते थे 110 यूनिट, तो सेल वैल्यू कितनी जनरेट हो जाती? 1100। वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर होता? 660। टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आती? 440। मान लीजिए हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 200 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना आ सकता था? 240। बट ड्यू टू लेबर टर्नओवर 10 यूनिट कम बने, 10 यूनिट कम बने, यानी कि असली में आउटपुट बना 100 यूनिट्स, असली में सेल वैल्यू रियलाइज हुई 1000 की, वेरिएबल कॉस्ट 600, कॉन्ट्रीब्यूशन 400, फिक्स कॉस्ट ने तो वही रहना है, एक्चुअल प्रॉफिट इज 200। अगर मैं आपसे डिफरेंशियल की बात करूं, आउटपुट लॉस्ट कितना यूनिट है? डिफरेंशियल 10 यूनिट्स का। इन 10 यूनिट्स के हिसाब से लॉस्ट सेल वैल्यू कितनी है? 100 की। वेरिएबल कॉस्ट जो कि बच गया, चलो 60। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितनी है? 40। और वही हमारा प्रॉफिट लॉस्ट भी है। सो इफ आई आस्क यू इन दिस एग्जांपल, व्हाट इज द लॉस टू कंपनी ड्यू टू लेबर टर्नओवर, आप बोलोगे ₹40। अच्छा, आपने एक नया वर्ड आज सीखा कंट्रीब्यूशन, इसके रिलेटेड एक और नया वर्ड सीख रहे हो, मैं सब लिखवाऊंगी, डोंट वरी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीवी रेशो। इसका मतलब ही यही है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। देखिए पर यूनिट इंफॉर्मेशन उठाओ, 4 10 का कितना परसेंट है? 40%।
आप 110 के हिसाब से उठाओ कि व्हाट कुड हैव बीन, वुड हैव बीन कंट्रीब्यूशन इज 440, एक सेकंड दीजिए, वुड हैव बीन कंट्रीब्यूशन इज 440, वुड हैव बीन सेल्स इज 1100, अभी भी क्या है 40%। आप एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बाय एक्चुअल सेल्स कर लो 40%, आप लॉस्ट कंट्रीब्यूशन बाय लॉस्ट सेल्स कर लो 40% ही है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? नाउ व्हाट इफ क्वेश्चन ना आपको ये जानकारी देता ही नहीं, ना आपको ये जानकारी देता, आपको सिर्फ इतनी जानकारी देता कि लॉस्ट सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू ₹100 एंड पीवी रेशियो एप्लीकेबल इज 40%, आपके लिए पॉसिबल था लॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर अराइव करना? एक बारी सोचो, क्योंकि पीवी रेशियो का क्या मतलब होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। हम बोल रहे हैं अगर लॉस्ट सेल्स है ₹100, लॉस्ट कंट्रीब्यूशन है ₹40, और हमें ये पता है वट एवर इज प्रॉफिट लॉस्ट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, या वट एवर इज कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। तो अगर मुझे लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल रही है, मुझे लॉस्ट प्रॉफिट भी पता चल रहा है। बात समझ में आई है? अब यही चीजें या तो आपके पास पहले से लिखी हुई या प्रिंटेड है, या मुझे लिखवानी है। कहाँ पर? इस कॉन्सेप्ट पर, पेज नंबर 3.8 पर आइए, पेज नंबर 3.8 पर आइए, लिखना ही है हमने अपने हाथ से, लिखना है। बुक में लिखेंगे, बुक में ही लिखेंगे। हमारी बुक ना कुछ कुछ तो पहले से चीजें प्रिंट करके देगी, या कुछ कुछ हम फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स ले लेंगे। ठीक है जी, चलो चलो चलो। कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक तो आपने ये सीखा। फिर आपने सीखा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। फिर आपने ये लिखना है दैट कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट विच विल बिकम अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट विच विल बिकम अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट इज इक्वल टू सेल वैल्यू लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। लिख लीजिए इसे। सेल्स वैल्यू लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। चलिए नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट यू हैव टू क्वेश्चंस, एक तो हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, और इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में। कैन यू प्लीज कंफर्म 9 और 14 के अलावा इस टॉपिक में हो गया कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बताना? ठीक है ठीक है। देखिए बेटा, आपको ये पता है कि पीवी रेशियो क्या होता है। देखो पीवी रेशियो इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स, है ना? तो कैन आई से कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 और 14 के अलावा इस टॉपिक में सब हो गए हैं ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9। मैनेजमेंट ऑफ बी आर लिमिटेड आर वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्न ओवर इन दी फैक्ट्री, जिंदा है? ठीक है। एंड बिफोर एनालाइजिंग दी कॉजेज एंड टेकिंग रिमीडियल स्टेप्स दे वॉन्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ दी प्रॉफिट फॉर गॉन एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्न ओवर इन दी लास्ट ईयर। ये लाइन क्या कह रही है कि मैनेजमेंट बड़ी चिंतित है कि लेबर टर्न ओवर बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है, और वो कारण को ठीक करना है इससे पहले ये आइडिया लगाना चाह रहे हैं कि पिछले साल ड्यू टू लेबर टर्नओवर प्रॉफिट फॉर गॉन मतलब लॉस्ट कितना है। लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300 एंड पीवी रेशियो वाज 20%।
टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 4.45 लाख। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू न्यू रिक्रूट्स आउट ऑफ विच हाफ ऑफ दी आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। इस पूरे सेंटेंस पर मैं फिर से आऊंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ डिले बाय दी पर्सोनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसीज ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। ये लाइन क्या कह रही है कि एचआर डिपार्टमेंट ने वैकेंसी फिल करने में डिले कर दिया था, इसकी वजह से 1 लाख घंटों का नुकसान हुआ। 1 लाख घंटे कौन से? पोटेंशियली प्रोडक्टिव, मतलब 1 लाख घंटों में काम हो सकता था, प्रोडक्टिव हो सकते थे, आउटपुट बन सकता था, बट इन 1 लाख घंटों में क्योंकि वैकेंसी ही फिल नहीं हुई, काम करने वाला वर्कर ही नहीं था, तो ये 1 लाख घंटे खाली चले गए बिना आउटपुट बनाए। बात समझ में आई है जी? ठीक। कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर रिवील्ड ऑन एनालिसिस द फॉलोइंग। लेबर टर्नओवर की वजह से 4 खर्चे। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, जब वर्कर छोड़कर जाते हैं उनके साथ सेटलमेंट कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है, रफा दफा मामला करने के लिए कई बार ज्यादा खर्चे भी करने पड़ जाते हैं। ठीक है जी। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रिवेलिंग प्राइसेस। इस लाइन पर भी हम बाद में फिर से आएंगे। फाइंड दी प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। रिक्वायरमेंट तो वही है, कैलकुलेट लेबर प्रॉफिट लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ठीक है जी। आप पूरे क्वेश्चन को एक साइलेंट रीडिंग दीजिए अपनी तरफ से, देन वी विल स्टार्ट विद इट। हाँ जी, करे साहब। मेरा पहले फोकस इसी पैराग्राफ पर रहेगा, इसी की हेल्प से हम कुछ वर्किंग नोट्स बनाएंगे। आइए जी, आइए, वर्किंग नोट स्टार्ट कीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन कहीं पर एक्चुअल वर्किंग आवर्स या लेबर आवर्स, एक्चुअल आवर्स बता रहा है, कितने बता रहा है? 4,45,000। ठीक है, कह रहा है इसमें इंक्लूडेड है 30,000 घंटे किस बात के लेने के, आउट ऑफ विच हाफ वाज अनप्रोडक्टिव, मतलब कितने घंटे अनप्रोडक्टिव? 15,000। तो आप उन अनप्रोडक्टिव आर्ट्स को माइनस करवाइए। माइनस करा हमने अनप्रोडक्टिव आर्ट्स, 30,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास प्रोडक्टिव आवर्स कितने आ गए? 4,30,000। ठीक है, हमने ये क्यों निकालने थे प्रोडक्टिव आवर्स, अभी समझ में आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, अब आपको यहां पर पता करने हैं आवर्स लॉस्ट, घंटों का नुकसान कहां पर हुआ, सोचो एक बार। 1,15,000, 15,000 घंटे। तो ये देखो ना, लेबर टर्नओवर होती तो ना ट्रेनिंग लगती और पूरे के पूरे 30,000 घंटे प्रॉपर काम होता, तो 15,000 घंटे तो ये, और 1 लाख जो क्वेश्चन ने लाइन लिखी हुई थी ड्यू टू डिले इन फिलिंग द वैकेंसीज, तो अनप्रोडक्टिव आवर्स इन ट्रेनिंग पीरियड, अनप्रोडक्टिव आवर्स इन ट्रेनिंग पीरियड कितना? 15,000 प्लस पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट कितने थे वो? 1 लाख। तो आपके पास टोटल आवर्स लॉस्ट आ गए, टोटल आवर्स लॉस्ट आ गए कितने? 1,15,000। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है
इस पैराग्राफ में और क्या इंफॉर्मेशन थी कि लास्ट ईयर की सेल्स है 83,03,300। सोचो सेल्स तब हुई जब काम हुआ, आउटपुट बना, तभी सेल्स हुई है। मतलब 4,30,000 घंटे काम करके सेल वैल्यू कितनी जनरेट हो गई है, 83,03,300। अगर ये घंटे लॉस्ट ना होते, प्रॉपरली यूटिलाइज्ड होते, तो इन पे एडिशनल सेल्स आ जाती। वो एडिशनल सेल्स कितनी आ जाती प्रोपोर्शनेटली पता कर सकते हो? ये था 4,30,000 घंटों की प्रोडक्टिविटी पर सेल्स वैल्यू जनरेट हुई है 1,05,000 1 करोड़। नहीं, यही 83 लाख है। 5 लाख से भाई करो 5 लाख ना। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। हाँ जी, यस सेल वैल्यू लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखो, कह रहे हैं 83,03,300 की सेल वैल्यू जनरेट तब हुई थी जब एक्चुअल प्रोडक्टिविटी थी 4,30,000 घंटों की। अगर ये घंटे 1,15,000 लॉस्ट ना होते, तो एडिशनल सेल इनकी भी आ जाती। वो एडिशनल सेल लॉस्ट हो गई है, कितनी हो गई लॉस्ट? 22,20,650। यही बता रहे हो? यस सर। यही बता रहे हो? बताओ ये चीज क्लियर हुई, सेल्स लॉस्ट? रिपीट कर देते हैं कि देखो जरा, ये है मेरे पास आर्ट्स और ये है सेल्स वैल्यू। एक्चुअल हमने काम कितना प्रोडक्टिविटी जो है जनरेट करवा पाए हैं, कितने आवर्स के लिए? 4,30,000 आवर्स। तो जाके सेल वैल्यू हाथ लगी थी 83,03,300। 1 घंटा काम करने पर, 1 घंटा काम करने पर कितनी सेल वैल्यू हाथ लग जाती है, ये बताओ? बताओ। 91 3 1 एग्जैक्ट है, 19.31। अब सोचो, हमारे पास ना आवर्स लॉस्ट हो गए हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला 1,15,000 जी। अगर लेबर टर्नओवर ना होती, तो इन आवर्स में भी काम होता, इन आवर्स की भी सेल वैल्यू जनरेट होती। कितनी सेल वैल्यू जनरेट होती? मल्टीप्लाई कर दो 19.31 से, 22,20,650। ठीक है जी, तो ड्यू टू लेबर टर्नओवर ये पॉसिबल सेल्स वैल्यू लॉस्ट हो गई। क्लियर हो गया सभी को ये? चलो, सेल्स लॉस्ट हमारा कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों निकाला हमने सेल्स वैल्यू? क्योंकि अब हम इसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट क्या है? सेल वैल्यू लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। 22,20,650 मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इज 20%। तो कितना? 4,44,130। 4,44,130 आ गया जी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस कंट्रीब्यूशन विल इवेंचुअली बिकम अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो अब हम अपने मेन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। मेन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। पर्टिकुलर्स एंड रुपी वैल्यू, जिसमें सबसे पहले आप लिखोगे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। वर्किंग नोट नंबर 3 से आ रहा है, कितना? 444,130। एंड उसके बाद जो ये चार खर्चे मेंशन है ना, सेटलमेंट कॉस्ट वगैरह वगैरह, वो लिखो, वैल्यू लिखो और टोटल प्रॉफिट लॉस्ट बता देना। वो चार खर्चे लिखो। जी, 5।
नाइन 5 7 9 3 0, वो चारों खर्चे ऐड करके इसमें। ठीक है जी, डन हो गया। ओके टोटल प्रॉफिट लॉस्ट 5 5 7 9 3 0। बच्चे जो एक लास्ट लाइन आपको पेंडिंग रिक्वायर्ड थी, इसका मीनिंग समझना जरा। हमने अभी तक मीनिंग समझे बिना भी कैलकुलेशन तो कर ही ली ना। मीनिंग समझो, अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रिवेलिंग प्राइसेस, 115,000 घंटों की वजह से हमारा आउटपुट लॉस्ट भी हो गया। कहते अगर बनता तो वो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पर ही बिकता। एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पर बिकता मतलब उसके लिए भी पीवी रेशियो एप्लीकेबल रहती 20%, क्योंकि इफ सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द सेम, पीवी रेशियो विल रिमेन द सेम। आप 1 यूनिट की निकालो पीवी रेशियो, 50 की निकालो, 100 करोड़ की पीवी रेशियो निकालो, पीवी रेशियो एज परसेंटेज विल रिमेन द सेम इफ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट रिमेन द सेम। ठीक है ना, तो बेसिकली कह रहे हैं कि जो यूनिट्स बन नहीं पाए बट अगर बनते तो सेम सेलिंग प्राइस में बिकते, इसका क्या मतलब है? उनके लिए भी पीवी रेशियो हमको क्या चिपकानी थी? 30% ही चिपकानी थी, वही हमने चिपकाई है जी। ठीक है, बस उस लाइन, तो वो लाइन का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। वो लाइन ना भी देते तो भी हमारा काम तो चल ही रहा था, एक ही पीवी रेशियो अवेलेबल थी 20%। ठीक, चलो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिमिलर टू दिस वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, यही बैठे बैठे सॉल्व होगा। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी पढ़ते हैं। एक्स वाई जी लिमिटेड वॉन्ट्स टू असर्टेन द प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू इंक्रीज्ड लेबर टर्नओवर। फॉर दिस पर्पस दे हैव गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट्स इज 50,000 आवर्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60% ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर। प्रोडक्टिविटी 60% का क्या मतलब है? कि अगर एक एक्सपीरियंस वर्कर बना सकते थे 100 यूनिट उसी टाइम फ्रेम में, सेम टाइम फ्रेम में एक नया वर्कर 60 यूनिट ही बनाएगा। प्रोडक्टिविटी का ये मतलब है। ठीक, टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। एक तो देखो ट्रेनिंग पीरियड में वैसे ही प्रोडक्टिविटी कम है, और जो बना रहे हैं उसका भी 20% डिफेक्टिव बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट वाज 25। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1 लाख आवर्स। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसी लाइन है जी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 180, पीवी रेशियो इज 20%, सेटलमेंट कॉस्ट दे दी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट दे दी, ट्रेनिंग कॉस्ट दे दी, रिक्वायरमेंट में क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ठीक है, अब स्टार्ट करने के लिए 1 बाय 1 पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए। पहला पॉइंट दोबारा से पढ़िए। ट्रेनिंग पीरियड वॉज 50,000 आवर्स। ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड एक एक्सपीरियंस वर्कर के कंपैरिजन में न्यू रिक्रूट की एक प्रोडक्टिविटी कितनी है? 60%। अगर एक्सपीरियंस्ड वर्कर काम करे तो उसके काम करने की स्पीड क्या है? 10 आवर्स पर यूनिट। तो मेरा पहला वर्किंग नोट इन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेगा, इन ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 50,000 आवर्स, इन ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 50,000 आवर्स कॉमा, आउटपुट दैट कुड हैव बीन, आउटपुट दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर। अगर इन 50,000 घंटों में एक्सपीरियंस वर्कर काम करता तो कितना आउटपुट बना लेता, बना सकता था? 5,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 10 आवर्स पर यूनिट की स्पीड है तो हाउ मेनी यूनिट्स? 5,000 यूनिट्स। अब आप लिखोगे आउटपुट एक्चुअली, आउटपुट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय न्यू रिक्रूट 5,000 × 60% प्रोडक्टिविटी यानी कि 3,000 यूनिट्स। अच्छा, तो बेसिकली यूनिट्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर
यूनिट्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर कितने हो गए? 2,000। ठीक है जी। अब बच्चे इस क्वेश्चन में यूनिट्स लॉस्ट, एक तो ये इस कारण की वजह से, एक और कारण है यूनिट्स लॉस्ट का, वो जो 1 लाख आवर्स हमारे पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स थे, सोचो उनमें भी काम अगर होता इन द फर्स्ट प्लेस, अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो वो 1 लाख घंटों में भी प्रोडक्टिविटी आती, और कौन से वर्कर की आती? एक्सपीरियंस वर्कर की आती। तो एक्सपीरियंस वर्कर कितना आउटपुट बना लेता उन 1 लाख घंटों में? 10,000। ये वर्किंग नोट नंबर 2 में ले जाओ। यूनिट्स लॉस्ट ड्यू टू पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट, यूनिट्स लॉस्ट ड्यू टू पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट, 1 लाख हमारे पास आवर्स लॉस्ट थे, इनमें अगर काम होता तो एक्सपीरियंस करता, 10 आवर्स पर यूनिट की स्पीड रहती, तो आउटपुट कितना बन सकता था जो नहीं बन पाया? 10,000 यूनिट्स। यहां से आप बोल रहे हैं टोटल यूनिट्स लॉस्ट 2,000 प्लस 10,000 करके आ गया हमारे पास 12,000 यूनिट्स। अच्छा, ये यूनिट्स लॉस्ट से हमको क्या पड़ी है? हमने क्यों निकाला होगा? क्योंकि क्योंकि अब देखो वर्किंग नोट नंबर 3 में बेशक ले जाओ इस चीज को, आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है बेटा जी, आप सेल्स वैल्यू लॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 12,000 इंटू 180 है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो सेल वैल्यू लॉस्ट कितनी आ गई? 21,60,000। और सेल्स वैल्यू लॉस से क्या आएगा निकल कर? कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस। सेल्स वैल्यू लॉस मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, 21,60,000 मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो कितनी थी? 20%। कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस आ रही आपके पास 4,32,000। ठीक है जी, 4,32,000। अच्छा, हमने पॉइंट वन कंसिडर कर लिया, पॉइंट थर्ड कंसिडर कर लिया, बीच में पॉइंट टू रह गया है, अभी करते हैं उसको। बट आप एक बार ये समझना, पिछले क्वेश्चन में यही सेल्स वैल्यू लॉस्ट आर्स के कैलकुलेशन पर निकाली थी, इस बार ये यूनिट्स के हिसाब से निकाली है। ठीक हो गया जी। चलो अब पॉइंट नंबर जो 2 है उसको लेकर वर्किंग नोट नंबर 4 बन जाएगा। वो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जो आउटपुट ट्रेनिंग पीरियड में बना उसका भी 20% इफेक्टिव बना, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स कितने आ रहे हैं? देखो जी, एक तो उन्होंने कम आउटपुट बनाया, कितना बनाया? 3,000। जो बनाया इसका भी 20% डिफेक्टिव है, यानी कि 600 यूनिट्स। इन डिफेक्टिव यूनिट्स पर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट लगेगी 25 के हिसाब से, तो ये कितना आ रहा है खर्चा आपके पास? 15,000। दिस रेक्टिफिकेशन कॉस्ट विल ऑल्सो लीड टू प्रॉफिट लॉस्ट, क्योंकि वैसे अभी पीएनएल में डेबिट हो रहा है खर्चा, लेबर टर्नओवर ना होती तो ये खर्चा भी ना होता। ठीक है जी। अब बनाइए मेन स्टेटमेंट में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। हाँ जी, एक तो आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट 4,32,000, एक आ जाएगा रेक्टिफिकेशन कॉस्ट फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 4, और बाकी के 3 खर्चे जो स्पेशली मेंशन्ड है वो लिख दो, टोटल प्रॉफिट लॉस्ट आ जाएगा। हाँ जी, 9 लाख। आपका नाम बेटा? आपका? हाँ जी, अंशित। अंशित। अंशित एक कड़क आंसर देते हुए 9 लाख बता रहे हैं आंसर। क्या सभी के पास कड़क आंसर आ रहा है? यस सर। जब कड़क आंसर आता है तब कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, सही होगा? पिछले वाले में इतना कॉन्फिडेंस शायद नहीं होगा,
इस वाले में है, 9 लाख है तो बन रहा होगा आंसर, है ना? नहीं आ रहा 9 लाख हाँ क्या? चलो अभी ये टॉपिक खत्म हो जाता है बच्चे। एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, जो अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 14 वाइंड अप किया है, इसके जैसा क्वेश्चन मई 2024 अटेम्प्ट में आया है, ठीक है? वो मैं क्वेश्चन आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, आपने उसे आज होमवर्क सॉल्व करके लाना, ठीक है? मई 2024 का क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, वो बुक तो सिर्फ नवंबर 2023 तक की क्वेश्चन बता रही है, मई 2024 का मैं अलग से शेयर करूँ, ठीक है जी? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हो, कह दी हो बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स।